पर आपको हम क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड के तीन पार्ट। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले देखें और सॉल्व कर लें। आपसे हम ये वादा करते हैं 1x1 क्वेश्चन, A to Z क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। चाहे चैप्टर फर्स्ट की बात करें रिलेशन एंड फंक्शन, चाहे किसी भी चैप्टर की बात करेंगे, A to Z क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पर पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो आपको चेक करना है फंक्शन इंजेक्टिविटी होगा या नहीं होगा, सर्जेक्टिविटी होगा या नहीं होगा। ये आपको मैपिंग दिख रही है, या सच दैट एन टेंस टू एन, ये जो फंक्शन है आपको चेक करना है इंजेक्टिविटी होगा या नहीं होगा, सर्जेक्टिविटी होगा या नहीं होगा। इसके हम नाम भी आपको बता देते हैं, इंजेक्टिविटी का दूसरा नाम 1-1, क्या इसे बोलेंगे 1-1, ठीक है। सर्जेक्टिविटी का दूसरा नाम On-2। तो आपको पता है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में जो लिखा होता है, क्या लिखा है, इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी, यही आपको लिखना है। जो लिखा होता है क्वेश्चन में वही आपको सॉल्व में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर बता दिया गया है कि एक मैपिंग है, एफ सच दैट एन टेंस टू एन गिवन वाई एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू, तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे। तो आपको पता है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, मैपिंग, फिर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर भी आपको मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू लिखना है सबसे पहले। तो इसका सॉल्व देखो आप लोग, सबसे पहले आप लोग ये लिखो द गिवन मैपिंग, क्वेश्चन में आप लोग देख लो मैपिंग गिवन होगी, ये आपको दिख रही है एफ सच दैट एन टेंस टू एन, इसी को बोलते हैं मैपिंग। तो आपको लिख लेना एफ सच दैट एन टेंस टू एन, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इसके मैपिंग के अपोजिट फंक्शन की वैल्यू लिखना है, ये आपको गिविन है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपको दो टाइप पता हो एक्सरसाइज 1.2 में, क्योंकि एक टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा, दो टाइप यहाँ पर आपको लिख कर समझा देते हैं। हर एक क्वेश्चन में हम आपको ये दो टाइप बताते हैं, और जब तक आपको हम ये दो टाइप बताते रहेंगे जब तक एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट नहीं हो जाती है। अगर मैथ इंटर में 100 में 100 मार्क्स चाहिए तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, सबसे पहले आपको दो टाइप पता हो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जानकारी के लिए, सेट, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन में अगर सेट फाइनाइट सेट मिल जाए तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, यहां पे लिख देते हैं देन सॉल्व वाई क्वेश्चन। एरो डायग्राम यहां पे अगर चाहो तो यूजिंग लिख लो। अगर क्वेश्चन में सेट कैसा मिल जाए, फाइनाइट सेट मिल जाए, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, एरो डायग्राम आपको यूज करना है, एरो डायग्राम का, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड टाइप, सेट। अगर क्वेश्चन में सेट क्या मिल जाए, इनफाइनाइट सेट मिल जाए, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, यहां पे लिख देते हैं देन सॉल्व वाई क्वेश्चन फार्मूले। यहां पे चाहो तो यूजिंग लिख सकते हो, यूजिंग फार्मूले। तो आपको यूज करना है फार्मूलों का जब क्वेश्चन में सेट कैसा मिल जाए, इनफाइनाइट सेट मिल जाए। अब आपको देख लेना है जो मैपिंग गिवन है उसी में देखो, जो पहले सेट है और बाद में सेट है सेम टू सेम है। तो ये ना आपको पता है नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से 2, 3, 4, 5 ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये जो सेट आपको दिख रहा है मैपिंग में क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, सेकंड टाइप से, मींस फार्मूलों का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे।
तो ये दो टाइप आपको आना चाहिए। अब इसे रफ कर देते हैं। अब आपको ये पता हो गया क्वेश्चन फार्मूले से ही सॉल्व करना है, क्योंकि साइड जो आपको दिख रहे हैं पहले सेट मैपिंग में और बाद वाला सेट, दोनों ही इनफाइनाइट सेट हैं। जब दोनों इनफाइनाइट सेट हैं तो फार्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले हम इंजेक्टिव की बात करेंगे, इंजेक्टिव की बात करेंगे, चेक करेंगे फंक्शन इंजेक्टिविटी होगा या नहीं होगा। तो फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे देख लो एफ एक्स वन, यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको इंजेक्टिविटी के लिए यूज करना है। आपको पता है पहला जो सेट होता है इसका यूज हम करते हैं इंजेक्टिविटी में। और भी हम यहाँ पे बता देते हैं, पहला सेट वैल्यू एक्स के लिए और दूसरा सेट वाई के लिए। तो यहाँ पे आपको हमने एरो लगा के बता दिए, लेकिन पेपर में ऐसे ना करना, क्योंकि यहाँ पे समझाने के लिए आपको बताया है कि पहला सेट एक्स के लिए होता है, बाद वाला सेट वाई के लिए, ठीक है। अब आपको फार्मूला लगाना है, क्योंकि इंजेक्टिविटी चेक करना है ना। फिर इसके बाद आपको ये पता हो लास्ट लाइन, यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट लाइन क्या आएगी, एक्स वन इक्वल एक्स टू, फिर इसके बाद फॉर एवरी एक्स वन कामा एक्स टू। ये दो एलिमेंट आपने कहाँ से लिखे हैं, यहीं से लिखे हैं, एक्स वन इक्वल एक्स टू है तो कामा लगा के लिख दिया। यहाँ पे दो एलिमेंट किस सेट में बिलोंग करेंगे, पहले वाले सेट में, क्योंकि इंजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं तो पहला सेट यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहला ही सेट आपको लिख देना है, लास्ट लाइन इतनी आपको लाना है, फिर आपको चेक करना है इक्वल आएगा या नहीं। पहले हम इतनी लाइन लाएंगे, देखो कैसे आएगी, एफ एक्स वन की वैल्यू यहाँ से रखो तो एक्स वन क्यू, एफ एक्स टू की वैल्यू यहाँ से रखो तो एक्स टू क्यू। तो आपने क्या देखा, दोनों साइड में पावर आपको थ्री दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा होगा टेंथ में, नाइन्थ में, सिक्स में, सेवेंथ में, एट्थ में, क्यूबिंग बोथ साइड, कहीं ना कहीं आपने ये रूल यूज किया होगा क्यूबिंग बोथ साइड का। तो यहाँ पर आपको पावर दिख रही है तो पावर हम हटा देंगे, क्योंकि जब आप पावर की ज़रूरत होती है दोनों साइड में आप पावर का पावर थ्री ले सकते हो, लेकिन जब हमें लास्ट लाइन इतनी लिखना है तो पावर हम दोनों साइड से हटा देंगे। तो एक्स वन इक्वल एक्स टू, फिर फॉर एवरी सेम टू सेम यही आपको लिख लेना है, एक्स वन कामा एक्स टू, ये दो एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, पहले वाले सेट में। अब यहाँ पे बॉक्स लेना है, अब ये चेक करना है, ये आपको दिख रहा है ये इक्वल आ गया, कैसे आया, हमने फार्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया, इक्वल आ गया। अभी ये तय नहीं है कि इक्वल आएगा या नहीं आएगा, आपको चेक करना है। अगर इक्वल आएगा तो इंजेक्टिविटी फंक्शन होगा, अगर इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे तो इंजेक्टिविटी फंक्शन नहीं होगा। कैसे चेक करोगे हम आपको बता देते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं फिर आपको बता रहे हैं। अब आपको पहले सेट का यूज करना है, क्योंकि इंजेक्टिविटी में पहले सेट का यूज होता है। आपको नेचुरल नंबर दिख रहा है, पहले जो सेट है नेचुरल नंबर वन और टू पे ही आपको काम करना है, दो वैल्यू लेना है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर जो पहले सेट है इनफाइनाइट सेट है तो बहुत सारी वैल्यू मिलेंगे, तो बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, केवल दो वैल्यू पे काम करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, दो वैल्यू से ही हम आपको बता देंगे यहाँ पे इक्वल आएगा या नहीं आएगा। अब आपको हम बताते हैं कैसे, देखो पहले हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू लेंगे पहले वाले साइड में, क्योंकि पहला साइड एक्स के लिए होता है, तो एक्स की वैल्यू आप पहले साइड से ले लो, जो फिक्स वैल्यू हमने आपको बता दिए हैं। तो पहले हम वन लेंगे, अब ये एक्स की वैल्यू वन इसमें रखेंगे तो यह वन इक्वल क्या आएगा, वन का क्यू इक्वल वन, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप ले लो टू पहले वाले साइड से ले ली, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखो टू, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी निकलेगी, एट निकलेगी। अब यहाँ पे ईटीसी लिख देना है आपको, ईटीसी जानते हो क्यों लिखते हैं बताइए, ईटीसी इसलिए लिखते हैं अदर वैल्यू के लिए, अदर वैल्यू नहीं लेंगे ना, तो इसीलिए ईटीसी लिख देना है। दो वैल्यू पर आपको हमने बताया है, पता चल जाएगा यहाँ पे इक्वल आएगा या नहीं। अब आपको आंसर शीट देख लेना है, वन आंसर शीट और एट है,
तो ये आंसर शीट हैं दो आपको दिख रहे हैं, ये डिफरेंट आंसर शीट हैं, डिफरेंट तो डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल आएगा। अगर यहाँ पर आंसर शीट आपको सेम टू सेम दिख जाती, जैसे यहाँ पे वन है, अगर यहाँ पे वन आ जाता तो आपको यहाँ पे नॉट इक्वल कर देना था, लेकिन यहाँ पर वन और एट आंसर शीट आई है, तो डिफरेंट आंसर शीट जब आ जाए तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल। जब यहाँ पर इक्वल आएगा तो आपको पता है फंक्शन कैसा होगा, इंजेक्टिविटी। तो आपको लिख देना है यहाँ पे एफ इज ए इंजेक्टिविटी फंक्शन, फ्रॉम के बाद में जो सेट होते हैं मैपिंग में गिवन, वही आपको लिखना है एन टू एन। इतना आपको काम करना पड़ेगा इंजेक्टिविटी के लिए। अब आपको सर्जेक्टिविटी चेक करना है, फंक्शन होगा या नहीं, क्योंकि इंजेक्टिविटी तो फंक्शन है। अब बात आती है सर्जेक्टिविटी की, फार्मूला आप लोगों को पता है, सर्जेक्टिव में हम फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, y इक्वल एफ एक्स, यही फार्मूला यूज करते हैं। अब आपको ये भी पता है इस फार्मूले का यूज कैसे करते हो, ये फार्मूला क्या बताता है, x की वैल्यू y के टर्म में निकालो। कैसे निकालोगे, पहले हम एफ एक्स की वैल्यू रख लेंगे यहाँ से, तो x क्यूब, अब पावर इसे देंगे तो क्यूब रूट मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यूब रूट। अब आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू चेक करना है, अगर बिलोंग्स टू आएगा तो सर्जेक्टिविटी फंक्शन होगा, और नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो सर्जेक्टिविटी फंक्शन नहीं होगा। तो आपको कैसे चेक करना है, आपको पता है सर्जेक्टिविटी के लिए बाद वाला सेट यूज होता है, तो बाद वाला सेट आपको क्या दिख रहा है, एन, और एन जो है इनफाइनाइट सेट है, तो बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, तो बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, केवल और केवल दो वैल्यू पे काम करना है, वन और टू पे। जब भी क्वेश्चन में नेचुरल नंबर आपको मिल जाए तब आपको वन और टू पे ही काम करना है, ये मेरा आपसे वादा है कि वन और टू पे ही आपको पता लग जाएगा बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। देखो कैसे है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। अब आपको दो वैल्यू लेना है, बाद वाला सेट किसके लिए होता है, y के लिए, तो आपको y की वैल्यू पहले वन ले लेना है, ठीक है, आपने y की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो आपको वन का क्यूब रूट निकालना है। तो आपको पता है क्यूब रूट वन का वन होता है, ठीक है, ये आंसर सीट x की वन आई है, तो वन इसमें बिलोंग करेगी पहले वाले साइड में, नेचुरल नंबर, हाँ करेगी, क्योंकि ये वन जो है नेचुरल नंबर है। अब x y की वैल्यू क्या लेना है आपको, टू, बाद वाले साइड से जो आपको फिक्स वैल्यू हमने बता दिए हैं। तो जब हम टू लेंगे y की वैल्यू, तो x की आंसर शीट निकालेंगे, यहाँ पे रखो, तो टू यहाँ पर, अब आपको टू का क्यूब रूट निकालना है, 1.33, ठीक है, 1.333 ऐसे करके आपको वैल्यू निकलेगी, पता हो आपको टू का क्यूब रूट, आपको नहीं पता हम आपको बता देंगे कैसे आपको ये फाइंड करना है, 1.3333 ऐसे करके डिवाइड जाता रहेगा, तो आपको ज़्यादा नहीं डेसिमल के बाद टू डिजिट ले लेना है। तो x की आंसर शीट जो है 1.33 पहले वाले साइड में बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर डेसिमल के नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये आंसर शीट बिलोंग नहीं करेगी। फिर यहाँ पे क्या लिख लेना है, ETC क्यों लिखते हैं आपको पता है, इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको पता है ये इनफाइनाइट सेट है, बाद वाला सेट, तो बहुत सारी वैल्यू मिलेंगे, तो बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, तो इसीलिए अदर वैल्यू के लिए ETC लिख देना है। तो आपने क्या देखा, दो जगह, यहाँ पे बिलोंग्स टू देगा, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू देगा, हमने बताया दो जगह आपको, कहीं एक जगह आपको ये दिख जाए नॉट बिलोंग्स टू, दोनों जगह देखना है, और एक जगह कहीं भी नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो यहाँ पर आपको नॉट बिलोंग्स टू ही रख देना है। अब नॉट बिलोंग्स टू के बाद में आपको कौन सा सेट लेना है, पहले जो सेट है वही आपको रख लेना है, बॉक्स ले लेना है, ठीक है, आपको पता है नॉट बिलोंग्स टू आ गया तो सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, आपको लिख देना है। लेकिन पहले हम टू का क्यूब रूट बताएंगे कहाँ पर आपको सीखना है, देखो
चैप्टर सिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहां पे लिख देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर सिक्स में आपको सीखना है कौन सी एक्सरसाइज में, टू का क्यूब रूट, टू का स्क्वायर रूट सब आपको सीखने को मिल जाएगा चैप्टर सिक्स में। इसी बुक की बात कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट बुक में कितने चैप्टर हैं, वन से लेकर सिक्स तक। ये तो चैप्टर है सिक्स, अब आपको चैप्टर सिक्स में एक्सरसाइज बता देते हैं। चैप्टर सिक्स में एक्सरसाइज आप लोग पढ़ोगे 6.4, एक्सरसाइज क्या पढ़ोगे 6.4। ये 6.4 किसकी एक्सरसाइज है, अप्रोक्सीमेशन की है। तो ये अप्रोक्सीमेशन जो है वहां पे 6.4 में रूल पढ़ना पड़ेगा। तो 6.4 में 2 का क्यूब रूट आपको सीखने को मिलेगा, यहां पे नहीं सिखाएंगे। यहां पर अगर सिखाएंगे तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए, क्योंकि सिक्स चैप्टर सिक्स जो है उसमें डिफरेंशिएट का यूज है। तो अभी आप लोगों ने डिफरेंशिएट पढ़ा ही नहीं है, तो इसीलिए यहां पर आपको 2 का क्यूब रूट निकाल के नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको याद करना है 1.3333, चाहे आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लो। तो हमने इतना तो बता दिया आपको चैप्टर 6 में, आपको 6.4 एक्सरसाइज में आपको ये सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम रफ कर देते हैं, अब जहां पर थे वहीं पर आ जाते हैं। जब आपने दोनों जगह देखा, एक जगह नॉट बिलोंग्स टू है, एक जगह नॉट बिलोंग्स टू है, तो कहीं एक जगह आपको नॉट बिलोंग्स टू दिख जाए तो नॉट बिलोंग्स टू आपको यहां पे लिखना है, उसके बाद पहला सेट लिखना है। अब नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है तो आपको पता सब्जेक्टिविटी फंक्शन नहीं होगा, तो आपको लिख देना है एफ इज नॉट सब्जेक्टिविटी फंक्शन फ्रॉम। अब इसके बाद फ्रॉम के बाद में जो मैपिंग में जो सेट होते हैं वही आपको लिखना है, n टू n, ठीक है। अब आपको हैंस करके लिखना है, हैंस करके जानते हो मिक्स, जैसे इस लाइन को और इस लाइन को आपको मिक्स करके लिखना है। तो इंजेक्टिविटी फंक्शन है लेकिन सर्जेक्टिविटी फंक्शन नहीं है, तो आपको कैसे लिखना है, हैंस एफ इज इंजेक्टिविटी फंक्शन, इंजेक्टिविटी व्हाट नॉट, ऐसे लिखो इंजेक्टिविटी व्हाट नॉट सर्जेक्टिविटी बट नॉट सब्जेक्टिविटी फंक्शन। यहां पे क्या लिखना है, फंक्शन, ठीक है। थोड़ी स्पेस की हमें जरूरत है फिर भी हम आपको यहां पे लिख देंगे। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद जो मैपिंग में सेट होते हैं वही आपको लिखना है, फ्रॉम एन टू एन, इतना आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन सेकेंड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में 5 पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों को बताइए। वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं और जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही आप लोग लिखना है, कंजूसी ना करना है, क्योंकि अगर कंजूसी की आपने तो मैथ इंटर में 100 में 100 मार्क्स नहीं आएंगे। क्वेश्चन तो सॉल्व सभी लोग कर सकते हैं, बहुत से टीचर सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन जैसा हम बता दें, ये आपको दिख रहा है, जैसा हम बता दें इतना लिखो, हम ये आपसे वादा करते हैं मैथ इंटर में 100 में 100 ही मार्क्स आएंगे। तभी आपसे कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, इसमें आपका ही फायदा है। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुँच पाए और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक कंप्लीट सिलेबस आपका करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल का नाम पता है आप।